देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। सब महिला को एक एक लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको एक लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए यूपीए या जो नया गठबंधन ठगबंधन बना है इसका स्वरूप बना है। तुम देश के पंत प्रधान हो। इस देश में जूस है, इस देश में सिख है, इस देश में बुद्धिस्ट है, कई धर्मों के लोग इस देश में हैं। इसलिए भारत को कहते हैं अनेकताओं में एकता, यह है भारत की विशेषता। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी, मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा। और मेरे को ये बात याद आ गई, नारा याद आ गया, जब जब मोदी डरता है धर्म को आगे करता है। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दी। प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन, पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। किस प्रकार से देश को मुस्लिमीकरण करने का काम इन्होंने किया है, ये तो मोदी जी हैं जो सबका साथ सबका विकास, सारी योजना, मकान देना हो, चाहे गैस देना हो, चाहे वैक्सीनेशन करना हो, सारी की सारी सुविधाएं एक सबका साथ सबके विकास के साथ एक कोने से शुरू कर दूसरे कोने पे खत्म करते। तो चुनाव आया, हिंदू मुसलमान लाया, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान चुनाव के भीतर चुनावी मुद्दा बन गया। देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अल्पसंख्यकों को लुभाने वाला और तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र किया, उसे चुनाव से जोड़ा, तो देश के भीतर एक नया संग्राम शुरू। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर बहुसंख्यकों की संपत्ति पर है, तभी वो अपने मैनिफेस्टो में सत्ता आने पर सर्वे कराने की बात कह रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की नजर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और उनके कमाए हुए जेवरों पर है, लेकिन कांग्रेस पीएम के आरोपों को सच्चाई से कोसों दूर बता रही है। कांग्रेस को पीएम का यह बयान इतना नागवार गुजरा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम के बयान की शिकायत कर डाली। अब आते हैं मूलतः खबर क्या है। खबर इतनी भर है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो पर अब सीधे तौर पर सियासी फसाद छिड़ गया, क्योंकि बीजेपी का आरोप सीधा है कि आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे। और कांग्रेस का पलटवार यह है कि हार के डर में यह हेट स्पीच देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक बयानों का सिलसिला शुरू होता है। पहला बयान 6 अप्रैल, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। दूसरा बयान 7 अप्रैल, कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा है। फिर इसके बाद तीसरा बयान 21 अप्रैल, कांग्रेस महाबहनों का सोना मंगलसूत्र घुसबैठियों में बांट देगी। फिर इसके बाद चौथा बयान 22 अप्रैल, अब इनकी नजर माता बहनों के मंगलसूत्र पर है। अब इस पूरे विवाद के बीच देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले
अमित शाह का भी बयान आया, वार और पलटवार। अमित शाह का बयान जब सामने आया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे कराने वाली बात कही है। आगे कहते हैं गृहमंत्री अमित शाह कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं। यानी एक तरफ से वार हो रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है, लेकिन एक बयान और भी चर्चा में आ रहा है और वो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह, जहां पर अल्पसंख्यकों का हक का जिक्र होता है, मुसलमानों के हक का जिक्र होता है, मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कहा था, एक बार फिर से उस बयान पर भी जाना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। एससी एसटी ओबीसी के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों का उत्थान। अब इसी को लेकर बीजेपी आक्रामक है कि भाई हिंदू मुसलमानों की राजनीति तो आप करते हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री ने तो सच कहा है, यानी 24 का चुनाव मटन, मच्छी, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान पर आ गया, यानी मुस्लिम लीग आया, मछली वाला बयान आया, मस्जिद वाला बयान आया, मंगलसूत्र वाला बयान आ गया। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि असल मुद्दे गए कहां, असल मुद्दे क्या गुम हुए और क्या देश के प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं और कांग्रेस अपने ही बुनाए हुए जाल में फंस गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देंगे और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सब महिला को एक एक लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको एक लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी MSP पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? ये पूरी तरह लालू प्रसाद जी के भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और जो इस देश को कांग्रेसियों ने लूटा है उसके पूरे चार्जशीट हम लोगों ने किए हैं। और इस देश में सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए UPA या जो नया गठबंधन ठगबंधन बना है इसका स्वरूप बना है। तुम देश के पंत प्रधान हो, इस देश में जूज है, इस देश में सिख है, इस देश में बुद्धिस्ट है, कई धर्मों के लोग इस देश में हैं। इसलिए भारत को कहते हैं अनेकताओं में एकता, यह है भारत की विशेषता। और इस देश के जब पंत प्रधान एक धर्म को टारगेट करते हैं तो अपना पद के पद की गरिमा गिरा देते हैं। ताकि देश के प्रधानमंत्री कुछ। तो ये थे राजनीतिक बयान, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा रहे हैं। हमारे साथ ये चार मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं, वरुण मिश्रा जी कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, रहमत अली साहब हमारे साथ हैं, ओवैसी जी की पार्टी से हैं और
एआईएमआईएम के नेता हैं और साथ ही साथ मजीद जैदी साहब हैं, जैदी जी समाजवादी पार्टी के चेहरे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शाही जी इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे आप शाही जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शाही जी जी, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में, क्योंकि ये देश का बड़ा मुद्दा बन गया है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहां कहा है, मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों में बांट देंगे। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है सर? जी 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 पढ़ा है। पूरा पढ़ा है? जी पूरा पढ़ा है। तो प्लीज अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए देश को कि जहां पे लिखा हो कि मैनिफेस्टो मंगलसूत्र छीनकर जो है बता रहा हो कि घुसपैठियों में बांट देंगे, कहां लिखा है सर? देखिए तिलक जी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा है, आपके पास भी होगा, मेरे भी हाथ में है पीडीएफ फाइल, उसकी मेरे हाथ में है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा और जिसको जिसका जितना हक है उसको दे दिया जाएगा। ठीक। एक लाइन और है, इस देश में बहुसंख्यकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इससे जोड़िए कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि अल्पसंख्यकों का, खासकर पर्टिकुलर मुस्लिम, ये शब्द यूज हुआ है, अंग्रेजी में बोला था उन्होंने, पर्टिकुलर मुस्लिम उनका पहला हक है। इसी अंग्रेजी को बार बार अंग्रेजी में कहते रहे, यात्रा निकली थी वो अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा, उसमें भी कहा गया था राहुल गांधी जी द्वारा कि हम बहुतों से छीन कर दूसरे को देंगे, बड़ों से छीन कर छोटों को देंगे। नहीं, उस घोषणा पत्र में कहां ये लिखा है, तीन लाइनें बताइए ना सर, जहां लिखा हो कि मंगल सूत्र छीन कर मुसलमानों को देंगे। अरे आप पढ़िए, कहां लिखा, क्यों नहीं लिखा है? हाँ? आर्थिक सर्वे लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ? सर्वे किसका कराएंगे, आर्थिक सर्वे? हाँ, तो उसमें कहां लिखा है, उसमें कहां लिखा है कि मुसलमानों को मंगल सूत्र छीन कर दे देंगे? वो लिखा एकदम उसमें लिखा है कि आर्थिक सर्वे कराएंगे। आर्थिक सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वे किस चीज का कराएंगे जरा हमको समझा दीजिए, हो सकता है भाजपा अल्पज्ञानी हो। आर्थिक सर्वे कराकर और वहां से लेकर लोगों को बांट देंगे, अल्पसंख्यकों के हित ऐसी है ये नहीं है तो अल्पसंख्यकों को बांटेंगे भाई। अहमद अली साहब, प्रधानमंत्री झूठे। अली साहब एक मिनट साहब, ये मैं उस तरह का नहीं हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। आपको पूरा मौका दूंगा, चर्चा कर रहे हैं, मैं बहस नहीं करता हूं, चर्चा करता हूं, एक मिनट को। शाही साहब, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, एक मिनट सर, क्योंकि आपके साथ चर्चा के लिए आना पड़ता है तो मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। पेज नंबर 29 में लिखा है कि कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आएंगे। ये तो गरीबी रेखा की भलाई की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो मंगल सूत्र छीन कर जो है वो घुसबैठियों में बांट देंगे। ये 30 लाख नौकरी देने का जिक्र कर रहे हैं, वो घोषणा पत्र में नहीं दिखाई दिया आपको? नहीं, अच्छी चीज है भाई, उन्होंने किया है तो, लेकिन अब इस देश में बहुसंख्यकवाद क्या है जो बर्दाश्त नहीं करेंगे? बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक हिंदू है। हाँ। हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे ये? उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, देख लीजिए। नहीं, घोषणा पत्र में तो ये भी लिखा है ना कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया देंगे, तो ये भी तो लिखा है कि आर्थिक सर्वे कराएंगे। हाँ। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा ना कि घुसपैठियों को जो है मंगल नहीं, 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 ये लिखा है? अरे नहीं नहीं, ये तो देखिए, अब ये मैं कहूं, अब यहाँ पर बैठकर मैं बड़े सुसंस्कृत शब्दों में किसी को गाली दे दूं, फिर आप कहेंगे कहाँ गाली दिया उन्होंने, वो तो बड़े अच्छे आदमी है। सर आपने कहा मैंने घोषणा पत्र पढ़ा, मैं जानता हूँ आप पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में, ये देखिए ये सामने है, ये सामने है सर। हाँ तो सर बताइए ना, कौन से पेज पर लिखा है ये? बहुसंख्यकवाद बताइए ना सर। बहुसंख्यकवाद और तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये लिखा है कि नहीं लिखा? मैं आपको पेज दिखा बता देता हूँ। बताइए सर कहाँ है? आप करते रहिए, मैं अभी पेज नंबर भी बता देता हूँ। नहीं, सिर्फ इतना बताइए जहाँ लिखा हो कि घुसपैठियों को मंगलसूत्र छीन कर दे देंगे। नहीं नहीं, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये कहा कि आर्थिक सर्वे कराएंगे और बोला भी, भाषण राहुल गांधी जी का भाषण है मेरे पास। हाँ। उन्होंने बोला है कि आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। सर मैं तो आपकी बात मानता हूँ, मैं शाहिद आपकी सारी बातें मानता हूँ, मैं एक बात सर मुद्दे पर ही आते ना,
मैं शाहिद जी आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। तिलक जी थोड़ा सा पूरी बात आने दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं मेरा सवाल ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये सारे झूठे हैं, इन्होंने गलत घोषणा पत्र बनाया, इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की, देश को बांट रहे थे। आपके मुताबिक मैं सारी बातें मानता हूँ। सर 15 दिन हो गए, घोषणा पत्र में दिक्कत थी तो चुनाव आयोग क्यों नहीं गया ना कोर्ट गए? 6 तारीख को इनका घोषणा पत्र आया। हाँ ठीक है। हाँ हमने तुरंत बाद स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा गया कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। हाँ आपने कहा मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, जाते आप चुनाव आयोग क्यों नहीं गए? अरे भाई अब वो हमारे ऊपर, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम जनता को बताएंगे। आप देश को बट्टे को देखना चाह रहे हैं? ये जनता की अदालत की लड़ाई है। नहीं सर, ये देश को बांटने की लड़ाई हो रही है। बांट रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर जाइए ना सर चुनाव आयोग, शिकायत करिए। हम जनता की अदालत में जाएंगे सर। तो सर चुनाव आयोग किस लिए है फिर? जब हम आवश्यकता समझेंगे चुनाव आयोग जाएंगे। मतलब अभी जरूरत नहीं है, वो देश को बांट रहे हैं आपके मुताबिक। पहले जनता के अदालत में जाकर जनता को तो बताएं। अच्छा मतलब पहले आप जनता की अदालत में जाएंगे, चुनाव आयोग बाद में जाएंगे। आपका पैसा, आपकी जमीन जो नक्सली छीनने की कोशिश करते करते हमने समाप्त कर दिया नक्सलियों को, उसी नक्सलवाद में ये फंस कर कन्हैया वरुण मिश्रा जी, वरुण मिश्रा जी वो ही लोग आप देश को बांट रहे हैं। पहली बात मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र था और अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी क्योंकि पीएम मोदी ने उनके घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे कराने वाली बात कही है, जिसका जिक्र शाही जी कर रहे थे, कह रहे थे कि सर्वे क्यों करवा रहे थे यही बता दो बस। देखिए मैं अपनी बात दो लाइन से शुरू करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, किसी तरह से किसी भी एंगल से प्रधानमंत्री का भाषण तो लगा ही नहीं। एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोले कि मंगल सूत्र आपके टीम लिए जाएंगे, ये क्या प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? ये जिस तरह से प्रधानमंत्री मुसलमानों का जिक्र अपने भाषण में करते हैं, कब्रिस्तान और कमतान करते हैं, ये क्या प्रधानमंत्री की भाषा? लोकतंत्र आज गांधी जी की आत्मा रो रही होगी ऊपर से देखकर, ये कैसा हिंदुस्तान जमहूरिया। सवाल घुमा गए साहब, घोषणा पत्र में सर्वे की बात की है कि नहीं की आपने? बिल्कुल की है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी उन्मूलन चलाया था, किसके लिए? सर इंदिरा गांधी ने तो कहा था गरीबी हटा दूंगी मैं। मैंने आपसे पूछा ये आर्थिक सर्वे की बात क्यों की आप, मुद्दे पर आइए। मुझे इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी उन्मूलन चलाया, उससे फायदा किसका हुआ? उन शोषितों वंचितों पिछड़ों का हुआ जिनके पास जमीनें नहीं थी। बड़े जमींदारों के जमीनें लेकर छोटे जमींदारों को दिया गया, छोटे वंचितों को दिया गया जिनके पास अपनी अपने कमाई का कोई जरिया नहीं था, फसल उगाने का कोई साधन नहीं था। तो क्या इंदिरा गांधी जी ने गलत किया? हम अगर आर्थिक संरक्षण की बात करते तो क्या गलत कहते? आप मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो अंबानी और अडानी रहे, हम चाहते हैं देश में शोषित वंचित मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो भागीदारी बराबर है। उसी से तो वो क्लिक कर रहे हैं 2006 में जो बयान दिया। नहीं नहीं आप कब्रिस्तान में लाइट रहे तो शमशान में रहिए, किसने बोला था? सर खास तौर पर मुसलमानों का उत्थान हो, अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों का उत्थान हो, क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था? अगर क्या गलत है उन्होंने इस देश के अल्पसंख्यकों की, तो फिर आप क्या कर रहे थे? अगर ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे थे? नहीं नहीं क्या मुसलमान ही है क्या अल्पसंख्यक इस देश में? इस देश में जैन भी है, खास तौर पर मुसलमानों का जिक्र उन्होंने किया, बौद्ध भी है। नहीं नहीं गलत बात है, गलत बात है ये सर, गलत है। तो मैं कोट करके आपके सामने वो बयान दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप देखिए सर, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। और दूसरी बात सुन लीजिए और बोलिए उसने क्या गलत लिखा है। आज मनमोहन सिंह जी की चर्चा नहीं हो रही, आज हम चर्चा करने बैठे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के भाषण की। सर उस पर चर्चा होनी चाहिए। सर 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 वरुण जी, वरुण जी आप ये कह रहे हो कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बजरंग दल की तुलना आप पीएफआई से कर देते हैं, आप कह रहे हो कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मंगल सूत्र पहनाया, उनका मंगल सूत्र खुद छीन लिया, ये क्या बात करेंगे? पहले जसोदा बहन के साथ न्याय करें, ये क्या बात करेंगे देश की महिलाओं की, माताओं बहनों की? ठीक, इनसे नैतिकता की उम्मीद? इनसे तो उम्मीद जल्दी से फिर मैं जैदी साहब के पास जा रहा हूँ। इनसे तो नैतिकता की उम्मीद भी नहीं हो सकती, हम तो करते ही नहीं। बड़ा दिक्कत होगा, जिनको जिनको हो उनको हो। क्षमा चाहता हूँ तिलक जी, अगर पर्सनल अटैक होगा तो मुझे भी कहने में गुरेज नहीं होगा, फिर इकली वाली बाई के लिए कुछ कहना पड़ेगा मुझे।
नहीं नहीं आप न्याय की बात करिए ना, इतनी वाली बाई नहीं, हम तवायफ थोड़ी बोल रहे हैं, ये तमाशा नहीं, मेरे साथ नहीं, मैं चर्चा करता हूँ, आपको मालूम है मैं ना इस तरह की भाषा का मैं बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं, ऑडियो नीचे रखिएगा, इस तरह से नहीं साहब। आप लोग अपने राजनीतिक हित के लिए किसी की भी व्यक्तिगत चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं सबको, यह जायज है? कम से कम वरुण मिश्रा जी आपसे यह उम्मीद नहीं है। नहीं, देखिए मैंने कोई गलत बात नहीं करी, गलत बात तो इन्होंने सुन ली। जैदी जी, ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, और इतने तमाम मुद्दे हैं देश में, चुनाव आ गया हिंदू मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर भी फंस गए जैदी साहब मुद्दों के जाल में विपक्ष। हाँ देखिए, देश के में इस वक्त ये चर्चा का माहौल तो भाई कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल हो रही है, और जिस तरह उच्च स्थान पर बैठे हुए देश के सर्वोच्च स्थान पर जिनकी संविधान की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है देश की, इतने मतलब आप मतलब सोच नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी ओहदे पर आप बैठ करके इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गरिमा देश की प्रधानमंत्री की नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें करना, क्योंकि अभी आपने सवाल किया जिस तरह से शाही जी से, शाही जी के पास कोई शब्द नहीं है, मगर उनको पार्टी लाइन पर बोलना ये उनकी मजबूरी है, और वो बहुत अच्छी तरह से भी सफाई देना चाह रहे हैं, बड़ी कोशिश की, मैं ये देख रहा था कि वो किस तरह से सफाई दे रहे हैं, मगर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज पहली बार इस तरह का है कि डिबेट में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके बात का कहां से जवाब दूं और कहां से इनसे सवाल करूं, क्या बात करूं इस तरह की कि देश के में अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी आप देख रहे हैं किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, बेरोजगारी फैल रही है, देश की महंगाई चरम सीमा पर पहुंची जा रही है, और इस तरह के बयान सुनने के लिए लाखों करोड़ों आदमी बैठा है। इसी देश के अंदर एक बयान और आया, आपने कहा कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन एक बयान और आया कि सनातन की तुलना डेंगू से कर दी गई, वो जायज था? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं ना, मैं तो बिल्कुल साफ बात करूंगा, देश में इतने युवा वर्ग हैं, वो आपके चैनल को सुन रहे होंगे, नौजवान हैं सुन रहे होंगे, मुझे लगता है सब राजनीतिक नहीं होंगे। हाँ ये मान सकता हूँ कि कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ हमारे जैसे सपा के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, हमारे MIM के बैठे हैं प्रवक्ता MIM के होंगे, क्या कुछ ऐसे भी होंगे कि जो इन पार्टियों से हट करके एक विजन रखते होंगे देश के लिए? वो तो बिल्कुल उदासीन होंगे ना, वो तो किसी पार्टी से बाहर नहीं होंगे। फिर सवाल ये हुआ ना कि कौन नहीं कर रहा तुष्टिकरण की राजनीति, कौन नहीं कर रहा? अब देखिए जो भी कर रहा है तो नहीं पता, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण दिखाया, मैंने पढ़ा, मैंने उनको सुना, मैं आज सुबह ही मैंने उनको सुना, और सुन करके मैं 15 से 20 मिनट तक मैं मौन रहा सुनने के बाद, कि इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी, छोटे छोटे कार्यकर्ता और प्रवक्ता तो समझ में आता है नेता के उनके समझ में जो आया बोल दिया, छोटे छोटे नेता सीट के लिए बोल देते हैं, चुनाव के लिए बोल देते हैं, अपने मकसद के लिए बोल देते हैं, अपना स्वार्थ करने के लिए बोल देते हैं, मगर इतनी अहम जगहों पर बैठे हुए स्थान के लोग क्या ये देश के मुसलमानों को नागरिक नहीं मानते? देश में तो हम सब एकता में अनेकता है, सब जुट करके एक माला है देश भारत, देश हमारा एक गुलदस्ता है जिसमें सारे कुल सजे हुए हैं, तो सबको लेकर चलने वाली बात है। हाँ ये कह सकते थे कि कांग्रेस ने, पीड़ा तो तब भी होती होगी, बजरंग दल की तुलना PFI से कर दी जाती है। देखिए ऐसा है कि बजरंग दल बनाई गई लोगों की मदद के लिए, अगर बजरंग दल वाले गलत हैं तो सब तो गलत नहीं होंगे, कुछ लोग गलत हैं, चलो उन्हें गलत की बात कर दिया जाए, अगर पूजरा बजरंग दल गलत नहीं है, अब बजरंग दल को ये कहे कि किया जाए कि ये हिंदू हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष की बात किया जाए या किसी संप्रदाय को गाली देने की बात किया जाए, तो देखिए वो गलत है, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मगर हाँ अगर ये कहा जाए कि इस तरह से कि अगर हमने कहा है तो हम भी करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये कि सीधे सीधे हिंदू बनाम मुसलमान इलेक्शन, क्या कांग्रेस और खास तौर पर जो विपक्ष है वो क्या फंस गया है PM के इस तरह के बयानों के चक्रव्यूह में? देखिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को चारागाह बनाते हैं, जब जब उनको पोलराइजेशन करना हो, जब जब उसको मुसलमानों के सहारे चुनाव जीतना हो। प्रधानमंत्री जी इस वक्त में जो बयान दिए हैं, वो बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान आज के दौर में उस यतीम बच्चे की तरह है जिसको चुनाव के समय कांग्रेस और भाजपा दोनों गोद लेती है और उसके बाद जी चुनाव के बाद उसको जो है वो अपने से अलग कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस तरह समाजवादी पार्टी पर भी भरोसा नहीं है क्या? मुसलमानों का उत्थान नहीं होना है? नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी भरोसा नहीं है क्या अली साहब? नहीं होगा अली साहब। देखिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है मुसलमानों के साथ, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, आपको पता ही होगा कि मुसलमानों का सबसे बड़ा अगर कोई क्षति किया है तो समाजवादी पार्टी किया है। मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा दंगा करवाया और उसके बाद दंगाधारियों को समाजवादी पार्टी द्वारा माफ किया जाना, ये मुसलमानों को बिगड़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ किस तरीके से हर दिन जुडिशियल कस्टडी में समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता अतीक का और बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि माफिया कौन के यहाँ तो कहना चाहता हूँ कि ना ना अली 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 जी अली अली जी मुख्तार के यहाँ तो गए ना। देखिए मुख्तार के पास कब गए? जब हमारे बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी साहब के घर गए, उनके दल बच्चों से मिले, उसके बाद समाजवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा और उसको लगने लगा कि अब वोट किसक जाए, इसीलिए वो लोग गए खाना पूर्ति करने के लिए। मैं तो साफ तौर पर कि मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते है तो टारगेट। एक मिनट सैदी जी क्लियर करिए, कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल जो है वो दोनों तरफ से हुआ, इन्होंने दूसरे नजरिए से किया तुष्टीकरण करके, आप लोगों ने दूसरे तरीके से मुसलमानों को सिर्फ हथियार बनाया, सियासी हथियार। सैदी जी जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे किस तरह से विकास कराया है, क्या नहीं किया उन्होंने जो अब तक भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के कराए दिए हुए कारों को फीता काट रही है। तो ये तो मुसलमानों के वोट लेने के लिए सब कुछ किया जरी साहब, वो ये कह रहे हैं? नहीं ऐसा 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 नहीं है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते, सभी लोग रहते हैं और मुसलमान, मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनके इस तरह की बात करके कोई आरोप लगा देना, क्योंकि अभी अपनी पार्टी में MIM की पार्टी की लाइन पर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसको आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं भी कह सकता हूँ कि इनके अवैसुद्दीन साहब जो है बीजेपी की बी टीम है, किस तरह से ये वलगलाने का काम करते हैं, तो मैं भी कह सकता हूँ दादरी पर कौन बोलता है। बिल्कुल बीजेपी टीम है ये जाकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को एक समुदाय को बुरा भला कहते हैं, तो जिससे वोट बैंक भड़कता है और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, क्यों नहीं अवैसुद्दीन साहब को उठा करके भारतीय जनता पार्टी जो है मुकदमा लगा के बंद कर देती है। उन्हें पता है कि इस तरह से वो प्रभावित करेंगे तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश नुकसान दे। इस तरह से अगर मैं भी कोई आरोप लगाऊं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, बात यहाँ पर ये कि आज देश के अंदर चांद पर घर बसाने की बात की जा रही है, मेरिट पर बात की जा रही है, देश के विकास की बात किया जाए, पढ़ने की बात किया जाए, ये संप्रदाय की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस पर टॉपिक पर बहस भी नहीं करना चाहता हूँ देश के अंदर के हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई ये सब इस तरह से, देखिए देश के अंदर रहना सबको साथ में और आखिर इस तरह से लड़ करके न तो हिंदू मुसलमान को खत्म कर देगा ना मुसलमान हिंदू का बुरा चाहता है, तो जाहिर सी बात है इन मुद्दों से सिर्फ टाइम खराब करने और टाइम को अगर आपको TRP मिलती है तो आप इस तरह के लोगों को बैठा करके बहस करिए कि वो ये हुआ वो हुआ, मुझे मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और जिस तरह का चुनाव के अंदर नेता मुद्दे की ही बात कर रहे हैं, मुद्दे की ही बात कर रहे हैं कि चुनाव मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहा, अगर इतने मुद्दे हैं तो नेता नहीं तो चाह रहे पर आना चाहिए ना चुनाव देश में, आग कैसे आ पाएगा मुद्दे पर, जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, देश सवाल पूछेगा तो आप जवाब नहीं दे पाते हो, आप एक इंटरव्यू नहीं कर पाते हो, आप देश की जनता को संबोधित नहीं सीधे कर पाते हो,
तो जाहिर सी बात है कि आपको भटकाने का काम है, आप यही करोगे और क्या जवाब दोगे आप? आपने कहा था मेट्रो चलाएंगे, करोड़ों रुपया अकाउंट में डालेंगे, आपने कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा था गन्ना का देता हूं। भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। आपने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए और अब आप मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान ले। 10 साल आप बैठे रहे, पहले 10 साल आप कांग्रेस वाली पहले नेहरू वाली देते रहे। तिलक जी हिंदुस्तान में हम लोगों ने कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, न किसी मुद्दे से भटकाया। हमने जो किया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमने वो मजबूरी है, वो आपकी शाही जी मजबूरी है। देश के अंदर जब आप कोई कार्य करेंगे तो जो आप योजना लाएंगे वो तो सबके लिए होगी शाही जी। मिशम भाई, शाही जी वो योजना मुसलमानों को मिलेगी, हिंदू को मिलेगी। आप क्या करते हैं, आप बोल करके मुसलमानों को और हिंदू को भड़काने का काम करते हैं। आप भड़काने का काम छोड़ दीजिए, योजनाएं तो सबके लिए है। अगर आपने कोई योजना शाही जी जारी करी है तो हमें भी मिलेगी। देश के अंदर हम रहते हैं ना, आप अगर करें तो लीला, हम करें तो रासलीला। नहीं नहीं, मुलायम सिंह यादव जी, देखिए मिशन भाई थोड़ा सा एक एक करके हम लोग बात कर लें। मुलायम सिंह यादव जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक योजना चलाई। मैं बार बार मिशन भाई आपके सामने याद आ जाएगा, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, मेरी बेटी उनका कल पैसा देते थे 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को नहीं मिलता था। लेकिन यहां पर तो हम सबको दे रहे हैं, शौचालय बनाया सबको दिया, आयुष्मान कार्ड सबको दिया, घर सबको दिया, राशन सबको दे रहे हैं, वैक्सीन सबको लगा, उड़ान योजना में सब लोग हैं, शादी शगुन योजना में सब लोग हैं, उस्ताद योजना में मुस्लिम लोग हैं। 5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने ईदी योजना चलाई, 5 करोड़ लोगों को आज जो मुसलमानों को, और बाकी हम इधर भी दे रहे हैं। हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जो राहुल गांधी जी और उनकी बात पे रवाना हैं, जी जी, इस चुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? क्यों? अरे हमको तो बधाई दीजिए, आप हमारा पहला उम्मीदवार एक जीत गया सूरत से, अभी ये लोग तो टिकट नहीं बांट पाए, आप बताइए। सर मैंने पूछा हमारा, ना मैंने पूछा कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? अब आप लिस्ट आपके पास है, आप देखिए कितने मुसलमानों को दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जो जिताऊ होगा जरूर देंगे। आप कह रहे हो ना कि हमारा तो मिशन यही था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। टिकट से उसको मत जोड़िए, जरा बताइए ना। टिकट से नहीं जोड़े, नहीं नहीं एक मिनट, मीसम भाई की पार्टी यादवों की पार्टी है, यादव देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, देश के सबसे बड़े, इन्होंने अपने परिवार के लोकतंत्र के अंदर टिकट दिया। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लगेगी उसमें कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व ना हो आपके मुताबिक, तो फिर क्या ये गंभीर विषय नहीं है? अरे एकदम गंभीर विषय है, हम कह तो रहे हैं कि पूछिए मिशन भाई ने अपने परिवार से अलहदा किसको जो है यादव को टिकट दिया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे कि एक योजना बताइए, कह रहे छोड़िए सारी बातों को, एक योजना बताइए जो सिर्फ हिंदुओं को समर्पित हो या फिर मुसलमानों के लिए ना हो। देखिए आज शाही जी मजाक के मूड में बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको आज टाइम पास करना है, वो आज चर्चा के मूड में नहीं बैठे हैं। आप देखिए कह रहे हैं सही भी है और टिकट भी नहीं दिया है और योजनाएं भी सब मुसलमानों के लिए चला रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं हम तो सबके लिए चला रहे हैं, बताइए ना कि कोई खास। मैंने क्या कहा, आप एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे आदमी हो, अगर कोई देश के अंदर किसी भी तरह का सर्कुलर जारी होगा या कोई कानून बनेगा तो उस कानून के दायरे में सब आएंगे ना। अगर कोई देश के अंदर किसी तरह का कोई भी नीति चलेगी, कोई भी किसी भी तरह का कोई एक नियम बनेगा, वो सभी के लिए आएगा, वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो। मगर अच्छी बात ये है कि फिर वही लोग जो नियम और कानून बना करके सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मेरी बेटी उनका कल वाली योजना सिर्फ मुसलमान लड़कियों के लिए, आप मेरी बात सुनिए, वो मुझे उसका ध्यान नहीं। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैं तो कहा माननीय मुलायम सिंह जी अभी दुनिया में नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे, राजीव जी नहीं रहे, अब वो जा चुके हैं। हम कह रहे जो लोग, अब देखिए सुनिए, अगर शाही जी अगर शाही जी आप किताब पलट के पढ़ेंगे, आप बुक को अगर पलटेंगे और किताब को पढ़ेंगे उल्टा करके तो अच्छी बात नहीं है। आप आगे को उसको जो है फ्रंट को टर्न करिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे देखिए। मेरा बहुत दिन नहीं हुआ है अभी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब आप चुनाव के टाइम पर वोट मांगने आते हैं तो मुसलमान को आप कहते हैं मैं चिमटे से भी नहीं छूता हूँ। देखिए मैं एक बात पढ़ी लिखी कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने राशन बांटा,
आपने एक उज्ज्वला योजना शुरू करी, आपने पक्का मकान बनाने की योजना शुरू करी, तो आपने मुसलमानों की भी बनवाए, हिंदुओं की बनवाए, क्रिश्चियन की भी बनवाए, बनवाए कि नहीं बनवाए? अब हिंदू भी देख रहा है इस चीज को, मगर जब आप वोट लेने के लिए आए तो आप ये बताते हैं कि देखिए भाई मैं मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छूता हूँ, इतना अपवित्र मानता हूँ, दूर से लकड़ी से रोटी पहुंचाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद योजनाओं में उनको साथ रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो मेरे हिंदू भाई पढ़े लिखे वो एक बार इस पर गौर करें कि यार योजनाओं में तो उनको बराबर दे रहे हो और जितनी भी योजनाएं आ रही है मुसलमान भी उसका फायदा उठा रहा है, हर तरह से तो उनको साथ दे रहे हो। उसका उत्तर तो फिर आपको भी देना चाहिए कि एक तरफ वहां अली साहब यही बात तो कह रहे हैं कि जब अतीक अहमद का भी तो एक किस्म से मर्डर ही हुआ, जो अली साहब कह रहे हैं तो वहां आप क्यों नहीं गए उनके यहाँ पर? अच्छा चलिए, मैंने और मुख्तार के यहाँ फिर क्यों गए? और वो भी ठीक चुनाव था इसलिए, क्योंकि उवैसी गए इसलिए, उसका भी जवाब हम दे रहे हैं। एक तो देखिए, इनको अली भाई को ये पता होना चाहिए कि खासकर हम और मुसलमान, अभी इन्होंने जिक्र किया कि एक चारा है, एक तरह का देखा जाए तो हम लोग जो है वो एक अछूत बीमारी हो गए हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं तो यही आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब देखिए बदमाशों के लोग बदमाशों की पार्टियां बदमाशों के पास जा रहे हैं, और अगर न जाए तो जा नहीं रहे। अच्छा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं गए, अच्छा तो चलिए चले नहीं गए, वो भी तो मान्य सांसद थे। अगर अतीत किया जाते तो किसकी किया जाते? लड़के जेल में, बीवी फरार, अतीक अहमद नहीं रहे, उनके भाई नहीं रहे, अच्छा, तो अतीक के परिवार में कोई है नहीं इसलिए नहीं गए। तो क्या उनकी चौखट छूते? अच्छा चलिए, और अगर चले भी जाते तो कौन सी योजना का लाभ उनको दे देते? कौन सी योजना का लाभ दे देते? ठीक है, अली जी देखिए ऐसा है आप थोड़ा आप देखिए आप धैर्य रखिए। आप इस तरह की अगर बातें करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ना तो आप दीन के रहेंगे, ना दुनिया के रहेंगे, ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे। आप मजबूती से जहां हैं वहां बैठे रहिए और इस पर विचार करिए कि आपका और हमारा जो है वो सिर्फ एक ही सोच होना चाहिए कि जो देश को प्रदेश को आगे ले जाए और जो सबके लिए कार्य करे, कोई जात पात धर्म में बंद करके ना रहे। हम उसके साथ हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि ओवैसी जी मुसलमान है तो हमें मुसलमानों की पार्टी में चला जाना चाहिए और इसमें नहीं जाना चाहिए। जो आदमी हमारे लिए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करे उसके लिए जाना चाहिए। ओवैसी जी आज हैं, कल फिर हैदराबाद में ही रहेंगे, हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर रहना है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिवाय मान्य राष्ट्रीय पति के अलावा कोई चेहरा नहीं है, आप देख लीजिए। और इस तरह की बात करने से भारत, देखिए आप जितना मुझसे बहस कर रहे हैं शाहिद जी के चेहरे पे उतनी ही मुस्कान बढ़ रही है। हमारे बड़े भाई है, बहुत दिन बाद ओवैसी जी के बारे में हो रहे हैं शाहिद जी से, ओवैसी जी आज कल कितनी मुस्कान बढ़ रही है जिस समय में, इसीलिए ओवैसी साहब को जन्म दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए जन्म दिया है। हम और आप इस तरह से लड़े और शाहिद जी का कल्याण होता रहे, शाहिद जी के जो थॉट्स है। एक मिनट वरुण मिश्रा जी, आपने इसका उत्तर नहीं दिया। वो बात जो शाही जी कह रहे थे कि भाई आप आर्थिक सर्वे करवाने की बात कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? मैंने उत्तर दिया था, आपने शायद सुना नहीं ध्यान से। हाँ, मैंने कहा था इंदिरा गांधी जी ने जमींदारी उन्मूलन सिर्फ इसलिए चलाया था जो इस देश के शोषितों वंचितों पिछड़ों के पास जमीने नहीं है, जो भूमिहीन है, जो दूसरे के खेतों पर काम करने के लिए मजबूर है, उनको जमीन का मालिक बनाया जाए। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का भी ठीक यही उद्देश्य है कि इस देश का पैसा सिर्फ अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के पास ना रहकर इस देश की आम जनता के पास पहुंचे। अगर आपने हमारे घोषणा पत्र को ध्यान से देखा हो या पढ़ा हो तो उसमें एक रोजगार की बात है, उसमें महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात है, उसमें हर तबके को एक साथ लेकर एक साथ चलने की बात है, देश को जोड़ने की बात है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह के ऊंचे बयानों पर अब आ गए। लेकिन अली साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी मुसलमानों को सिर्फ चारा ही समझा, अभी वही बात कर रहे थे अली साहब। देखिए प्रधानमंत्री जी को किसी भी पब्लिक रैली में महंगाई का माँ बोलते हुए सुना हो, बेरोजगारी का बाप बोलते हुए सुना हो, मणिपुर में नंगी घुमाई गई औरतों पर कुछ बोलते हुए सुना हो, आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सुना हो, नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी।
किसानों की एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। ठीक, शाही जवाब देना चाहिए कि वो पूरी तरह अपने घोषणा पत्र पर फेल हुए हैं, उनकी निराशा उनको पता है। अब अगर इस चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हार जाएगी। ठीक, आपकी बात आ गई शाही जी, शाही जी वो दरअसल एक मिनट, चुनाव मिश्रा जी की बात, मिश्रा जी जो बात कर रहे उसका जवाब दीजिए शाही जी, इसको साथ जोड़ दीजिएगा कि ये पहले चरण के बाद ही क्यों हुआ। जी देखिए, पहले ये चुनाव है और राहुल गांधी जी पहले चरण के बाद ही जाकर हैदराबाद में ये बोल रहे थे, आर्थिक सर्वेक्षण की बात सार्वजनिक रूप से बोला, घोषणा पत्र में भी दिया और सार्वजनिक रूप से बोला, सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जी ने बोला। तो ये तो मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई हम तो कर चुके हैं, जमींदारों की जमीन छीन चुके हैं और आज जो है ये फिर छीनेंगे, इमरजेंसी लगा चुके हैं फिर लगाएंगे, ये तो कह चुके हैं। इनको इमरजेंसी में पत्रकारों को जेल भेजा, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा, ये कर चुके हैं। और फिर राहुल गांधी की वही बात है, अडानी अंबानी कोई भी हो, देश का अगर उद्योगपति है तो ये सबको बांटेंगे। भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, राहुल गांधी जी के पास 50-100 करोड़ की संपत्ति है, पहले वहीं से शुरू कर दे, वो पहले अपनी संपत्ति दान कर दे, हमारे नाम, धनोज जी के नाम, तिलक जी के नाम, तो सबके नाम कर दे, अच्छा है, हम लोग भी गरीब आदमी हैं। थोड़ा कमजोर है, हजारों करोड़ की बिल्डिंग प्रयागराज में आनंद भवन के नाम से है, जानते हैं किसको दिया है, दान कर दिया है, हजार करोड़ किया किसको दिया है, दान पुण्य की करते हैं आप, अंबानी के लिए काम करते हैं, आप अंबानी के लिए काम करते हैं, पूरे देश का काम आपने अडानी को दिया है, किसको दिया, अंबानी को दे दिया गैस का ठेका, सारी चीजें आप लोग बांटते चल रहे हैं, अडानी और अंबानी को, और आप दान पुण्य की बात करते हो, मिश्रा जी केदारनाथ का खजाना गायब हो गया, बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और आप बताइए आनंद भवन किसको दिया है, दान पुण्य की आप क्या बात करेंगे, बोलेंगे तो जवाब नहीं आपके पास, सर कहीं किसको दिया जरा बताइए, जवाब आपके पास नहीं है, जब मैं महंगाई भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ तो आप दान भवन की बात कर रहे हैं, किया है बताइए। ठीक ठीक, डॉक्टर धनोज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, एक मिनट, डॉक्टर धनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। धनोज जी, ये एकाएक जो एंट्री हुई मंगलसूत्र मुसलमान, क्या देश का चुनाव पूरी तरह से मुद्दों से भटक चुका है, या फिर जो बात शाही जी कह रहे हैं कि भाई आर्थिक सर्वे करवाने की बात क्यों कह रहे थे, बस इसका उत्तर दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद, दो लाइन से शुरुआत करूंगा जी। राजनीतिक मुद्दे आपके बहुत जबरदस्त हैं कि पक्ष और विपक्ष में पूरी जनता उलझी हुई है, कोई नहीं बचा सफर में राही, कोई नहीं बचा सफर में राही, बिना वोट के बीजेपी जीत कर आई। देखिए मुद्दा तो है, मुद्दा यह है कि ये लोग अडानी अमानी में उलझे हुए हैं, ये लोग एक वर्ग जो मुसलमान जिसको वो कहते हैं एक अनार सो बीमार, मुस्लिम जो है मान लीजिए 18-19 करोड़ मुस्लिम पर ये जो लगभग 100 गो पार्टी है वो सब उसी पर राजनीति करते, कांग्रेस ओबीसी सपा आरजेडी ये जितने भी दल है सब इनके लिए जो मुसलमान है वो अनार के तरह ही लोग बीमार है। और इधर देखिए कांग्रेस को प्रस्तावक भी नहीं मिल रहा, वोट की बात तो छोड़िए, तो ये 80-20 की बात फिर कहां से आ जाती है। सुन आ गया आबादी सेंसस 2011 का सेंसस और जो अभी जो जनगणना मान के बिहार में उसके आंकड़े उठा लीजिए और जो आबादी है उसका उठा लीजिए। नहीं तो फिर तुष्टीकरण की सियासत, ध्रुवीकरण की सियासत कौन नहीं कर रहा। तो देखिए क्या जरूरत है कांग्रेस को ये सब लिखने और बोलने की, कांग्रेस सीधा सीधा बोले ना कि हम भाई मुसलमान भाई नहीं, कहां लिखा है मुसलमान, हमको बोल दो, अरे मुझे बोलने तो चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करता, आप कांग्रेस से सवाल कर रहे। अरे आपको नहीं लगता कि आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। मिश्रा जी आप बहुत देर से बोल रहे थे ना, मुझे तो सुन लीजिए। नहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस से सवाल पूछने की बात करेंगे, कांग्रेस की बात तो कांग्रेस की बात तो देश की जनता, आप इस देश की प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं करते। मेरा शुक्र मानिए सत्ता से सवाल, आप मेरा, अरे भाई आप मेरा शुक्र मानिए कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मेरा शुक्र मानिए, मेरा ऐसा मत करिए। 4 जून के बाद, अरे 4 जून के बाद तो कोई कांग्रेस की बात ही नहीं करेगा भाई साहब, मेरा शुक्र मानिए, पता चल जाएगा, मेरा शुक्र मानिए,
आप मेरा एहसान मानिए, बेवजह की बात ना करें, बेवजह की बातें ना करें। कम से कम कांग्रेस की बात कर रहा है, आप पता चल जाएगा चार दिन के बाद कौन रहेगा कौन नहीं। अरे भाई साहब, चार दिन के बाद कांग्रेस के बारे में कांग्रेस की चर्चा नहीं होगी, कांग्रेस की चर्चा नहीं होगी भाई साहब। कांग्रेस का भविष्य चौपट है, कांग्रेस के भविष्य की चिंता आप लोग करें। आप अपना भविष्य देखें, अरे भाई जब आप अपने भविष्य देखें डॉक्टर साहब। अरे भैया सुन लो, जब खड़गे कहते हैं कि मुझे आला कमान से पूछना है, जब खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो भी कहते हैं कि मुझे आला कमान से पूछना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में और क्या हो सकता है भाई साहब। आपको क्या लगता है जेपी नड्डा नहीं पूछते अमित शाह और मोदी? छोड़ो आप जेपी नड्डा को, क्यों छोड़ो? धनोज जी मुद्दे पर आइए ना, धनोज जी मुद्दे पर आइए, धनोज जी मुद्दे पर आइए। इनको इनको रोक लीजिए, नहीं आपका संरक्षण चाहिए मुझे, समय कम है, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। मुद्दे पर आइए ना सर। हाँ संरक्षण, आप एक बार वही नहीं करेंगे, इस देश में वक्फ बोर्ड बना हुआ है ना, वो डायरेक्ट लिखता है कि ये मुसलमानों की संपत्ति है। इस देश के किसी जगह मुझे बताइए या लिखा हो कि यह सनातन की संपत्ति है। ठीक अली साहब, अली साहब जवाब देना चाह रहे हैं, अली साहब पूछिए, बताइए इनको, ये प्रॉपर्टी है कि प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अली साहब जल्दी से, फिर मैं शाही जी को पूरा वक्त दूंगा। मंगल सूत्र मुसलमानों से बात की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो बात जो कर रही है वो प्रधानमंत्री अली साहब, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, वही है जो कह रहे कुछ घंटों के लिए पुलिस हटा दो। देखिए कुछ घंटों के लिए वाली बात नहीं थी, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैं हाँ 15 मिनट के लिए, घंटों की बात नहीं थी, 15 मिनट की बात था कि जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं आपस में दोनों समुदाय को मिला दूंगा। अच्छा गलत मतलब अच्छा, निकाला। अच्छा ठीक, मोहब्बत वाले थीक, लोग हैं। आप मेरे को मालूम नहीं था कि ओवैसी ओवैसी जी की पार्टी जो है, ओवैसी जी की पार्टी जो है वो शांति के कबूतर उड़ाती है, मुझे मालूम नहीं था। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप पूरी बात, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्होंने सिर्फ अपनी बात करी थी। ठीक धनोज जी जल्दी से शाही जी फिर आ रहा हूं। इनके हालात में आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, उन्होंने धमकी, इनके जो छोटे ओबीसी है वो हमेशा गुंडों वाली बात करते हैं। अभी फुल रही बात का सुनिए ना, अरे भाई साहब ओबीसी का साथ फुल रहा है, आप हो मैदान में, हम कभी भी नफरत नहीं फैलाते हैं। अरे भाई साहब आप कहीं हो, संविधान की बात करते हैं, ढूंढते हो कहीं, शपथ लेते हैं, किसी कोने में वहां जाते हैं जहां जाना जरूरी है। हो ना तो आप सरकार में हो, आपकी तो कोई पूछ कर ही नहीं रहा, में बीजेपी भी नहीं थी, 3 में 13 में हो बीजेपी भी नहीं थी, ऐसा ढिंढोरा पीटता है, कांग्रेस भी नहीं है। एक काम एक काम एक मिनट रुको, एक मिनट धनोज, एक मिनट अली साहब रुको, वो है या नहीं है, एक मिनट वो है या नहीं है, उनका रहना कितना जरूरी है, शाही जी से फोन करके अकेले में डिबेट खत्म हो जाए फिर बात करना। मैं तो डिबेट ना बोलूंगा ना भाई साहब, एक है क्या, एक मिनट एक कहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, एक मिनट, 272 सीट जीत रहे क्या, मैं तो पूछ रहा हूं लोगों से, 272 सीट जीत रहे क्या धनोज जी, अकेले क्यों पूछूंगा धनोज जी, अकेले क्यों पूछूंगा धनोज जी, धनोज जी धनोज जी, वो भी संसद में देश की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं ना, वो भी उनको भी जनता भेजती है भाई, चाहे अपने लोकसभा क्षेत्र की हो भेजती है ना, बस बात खत्म करिए। एक मिनट नहीं प्लीज, डिबेट मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर। शाही जी जी, आपने कहा कि आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा, ठीक, उस पूरे घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ? हम हिंदू मुसलमान कहा कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया गया, हिंदू मुसलमान कहा किया गया है, हमें वही पूछ रहा हूं, कहीं इस्तेमाल किया? नहीं नहीं, अल्पसंख्यक इस देश का क्या है, आप क्या है? आप कह रहे थे ना, मैंने कहा कि पेज नंबर पढ़ लीजिए 25 पॉइंट नंबर 5, हाँ वो तो कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक जज नियुक्त करेंगे। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, मेरे को बताइए, समझाइए जरा। अल्पसंख्यक का मतलब तो एक ही है, क्या? अगर हम अल्पसंख्यक का मतलब इनको मुसलमान नहीं है, हाँ? तो ये हम अगर ये की बात और उसकी बात करते हैं कि हम यहाँ पर देंगे जो वहाँ पर अल्पसंख्यक आएंगे बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान से, तब क्यों विरोध करते हैं ये? नहीं, तब तो इनको अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम अल्पसंख्यक नजर आता है। अरे
सर आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। हम जब कानून बनाते हैं तो कि भाई हिंदुस्तान में एक कानून बनेगा जो यहां पर नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। अल्पसंख्यक जो सताए हुए दूसरे देशों के हैं उनको हम देंगे, तब तो इनको अल्पसंख्यक सर जैसे कि मैं बयान देखता था 6 अप्रैल को आपने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। हाँ। फिर उसके बाद 7 अप्रैल को यही आपने बयान दिया और फिर उसके बाद 21 अप्रैल को एकाएक जब दूसरे चरण का चुनाव शुरू हुआ तब आपने कांग्रेस मां बहनों के सोना मंगलसूत्र घुसपैठियों को बांट देगी, इसका जिक्र कर दिया आपने। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। पेज नंबर 9 पर देखिए, पेज नंबर 9 का दूसरा कॉलम पढ़िए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और बरकरार रखेगी। किसके लिए कहा जा रहा है, किसके लिए, किसके लिए कहा जा रहा है बताइए जरा ना। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, किसके लिए कह रहे हैं? मुस्लिम के लिए कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं? मुस्लिम के लिए कह रहे हैं, यानी अल्पसंख्यक है। सुन लीजिए, नहीं नहीं अल्पसंख्यक अगर ये कहते, अरे सुन लीजिए अली साहब, अगर ये कहते तो मनमोहन सिंह जी को ये ना कहना पड़ता कि अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिमों को संसाधनों पर पहला हक है, तो मनमोहन सिंह जी को ना कहना पड़ता। तो ये तो समझने समझाने वाली बात लिखा है। मुस्लिम शब्द सर मैंने आपसे फिर पूछा कहीं लिखा मैं है? वही कह रहा हूँ पत्र में बताइए। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम शब्द नहीं लिखा है, अल्पसंख्यक लिखा है, मुस्लिम लीग लिखा है। ये अरे भाई जब उनके उस पूरा छाप है हम अल्पसंख्यकों को ये देंगे, जो बहुसंख्यक क्या है कि नहीं देंगे ये? मैं आगे बढ़ता हूँ आप ही की बात, आगे आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देंगे आपने कहा, आपने कहा ये मुस्लिम लीग की छाप है, इसके लिए क्यों नहीं करेंगे? सर आपने ये बात कही कि भैया माँ बहनों का सोना मंगलसूत्र घुसपैठियों में बांट देंगे, ठीक भाई हम तो अपनी देश की जनता को समझाएंगे ना सर, एक आर्थिक सर्वे कराएंगे ये। एक मिनट सर मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूँ, उसका उत्तर मिश्रा जी दे देंगे। मिश्रा जी तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने तो भाई जमीन छीना जमींदारों से और बांटा, वही कह रहे हैं ये, इन्होंने अभी आपके चैनल पे कहा है वही करेंगे। तो कहा आप गलत कह रहे हैं बताइए, तो उन्होंने कहा हम करेंगे देश में। एक मिनट 10 साल से आपकी सरकार है प्रभु राम की कृपा से, देश में घुसपैठियों की संख्या कितनी है? जनता की कृपा से भी है, जनता की कृपा से है उनके पास। कोई आंकड़ा है शाही जी? जी किस चीज का? इस देश में कितने घुसपैठिये हैं? पूर्णिया में भी उन्होंने कहा कि सीमांचल घुसपैठ। अली जी शोर मत मचाइए सर, एक मिनट, आपकी तो पार्टी के नाम में ही मुस्लिम लिखा हुआ है, रुकिए ना एक मिनट। हाँ शाही जी, जी सर कितने घुसपैठिये हैं देश में? नाम से भी पार्टी है सर। अब मैं जान रहा हूँ कि आप कहाँ से लेकर कहाँ चल रहे हैं। घुसपैठिये जितने रोहिंग्या हैं सब घुसपैठिये हैं, उनकी पहचान की जा रही है। नहीं नहीं पहचान आप आसाम, आपको 10 साल हो गए, आपने कितने घुसपैठियों की पहचान हो रहा है? आसाम और बंगाल जो है अपने पश्चिम बंगाल से। सर आपने 10 साल में कितने घुसपैठियों की पहचान की? एकदम उनका कागज की जांच जारी है सर। जारी तो है, कितने घुसपैठिये हैं हमारे देश में? हमारे सर मैं क्या कह रहा हूँ, जब जांच हो जाएगा तो जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी संख्या आएगी। अभी थोड़ी सी संख्या है लेकिन पूरी आ जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, घुसपैठियों के पास वोटिंग राइट्स है क्या? हाँ दीदी ने बनवा कर दिया है और कांग्रेस की गगोई सरकार ने बनवा कर दिया। हमने चिन्ना हमने अभी इन लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा है, इसीलिए तो वहाँ पर बवाल हो रहा है। सर मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, कितने घुसपैठियों को आपने देश से भगाया? हम घुसपैठियों हम डिटेंशन कैंप पे चलकर देखते ना, आसाम जाकर पता कीजिए सर। आपने कुछ को तो वापस भेजा होगा ना, 10, 15, 20, 25, 50 कितने भेजे वापस? मैं अरे भेजा जाएगा, काहे आप परेशान, किसी को नहीं रह सकते। धर्मशाला नहीं भेजा जाएगा, हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है और की विदेश से आए हुए वही तो मैं कह रहा हूँ सर, हिंदुस्तान धर्मशाला थोड़ी ना है। सबको हमारे हक हकूक पे जो है कोई डाका डाल रहा हो और वो देश के अंदर रह जाए, तो फिर यही मैं जानना चाह रहा हूँ कितने घुसपैठियों को आपने वापस भेजा? ममता दीदी वहाँ बैठकर उनको प्रश्न दे रही सर। ममता आप देश के प्रधानमंत्री सर, देश की हुकूमत चला रहे हैं आप, ममता दीदी रोक देगी क्या किसी को? आप घुसपैठिया बना के क्लियर हो चुकी है। ओके आसाम में सबके कागज मांगे गए हैं, मिश्रा जी वास्तविक होगा वो ठीक करने दो जाए, मिश्रा जी यहाँ से बाहर जाएगा। जो पॉइंट्स उठाए शाही जी ने उसका उत्तर दे दीजिए, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक का मतलब समझाइए। देखिए शाही जी का एकमात्र एजेंडा है, उनकी पार्टी का भी एजेंडा वही है, वही शाही जी उससे अलग नहीं है। तो शाही जी को जाहिर सी बात है खाद बीज और पानी से मुसलमान शब्द से मिलता है, मुसलमानों की बात करके मिलता है, हिंदू मुसलमान करके मिलता है,
तो ये अपनी लाइन पर रहेंगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बोलते रहे। जो मूल मुद्दा है आज चुनाव के पहले, अब चूंकि हम चुनाव में हैं और चुनाव में सबसे पहले हमने बात करी महंगाई की, हमने बात करी बेरोजगारी की, हमने बात करी भ्रष्टाचार की, हमने बात करी अपराध की, हमने बात करी महिला सुरक्षा की। हम पूछते सवाल मणिपुर में ये बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, हम पूछेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये बोलेंगे तेलंगाना की कानून व्यवस्था। 10 साल आपने इस देश को डंडे से हांकने का काम किया है, कहीं ना कहीं देश के संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की है, आकंठ भ्रष्टाचार में आपकी सरकारें डूबी रही, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा इतना बड़ा स्कैम हुआ, और अभी भी दुर्भाग्य देश का है कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को लेकिन देना चाहते जी, वही बात तो डॉक्टर मनोज कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप भी तो 1,100 बीमार वाली स्थिति में फंसे हो, करना चाहते मुद्दों पर बात कब होगी इस देश में। 10 साल हम इनको इनको देश की जनता ने मुद्दों की बात करने के लिए दिया ना, हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं दिया, और अब ये चुनाव में जा रहे हैं। डॉक्टर धनोज फाइनल कमेंट दे रहा हूं, फिर नागरिक होने के नाते मुझे तो बहुत अफसोस है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इस तरह मंचों से बोल रहा है, हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश एक बराबर है और पूरे देश की जनता एक बराबर है। देखिए चावला जी, अभी ये कितना अच्छा बात बोले कि प्रधानमंत्री देश के लिए बराबर, ये लोग प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते नहीं है, उनका अपमान करना, उसका बेइज्जती करना। और मैं अपने घर वालों से अगर मैं कहता हूँ कि दूसरे सरकार में आएगा तो तुम्हारा सब धन दौलत लूट लेगा, तो बुराई क्या है? प्रधानमंत्री जी बुरी बात क्या बोला है? उन्होंने तो यही तो कहा है कि चोर लुटेरों से सावधान हो जाओ, जो एक वर्ग को महत्व दे रहा उससे सावधान हो जाओ। एक वर्ग मतलब क्या? चोरी करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है यार, क्यों और किसी को नहीं? शाही जी लाइव में कमेंट भी आया, कह रहे हैं कि वो गिरिराज सिंह का बयान सुना आपने, वो वाला जिसमें वो कह रहे हैं कि जो देशद्रोही हो, पाकिस्तान प्रस्त हो, उनके पास वोट मांगने मत जाना। ये पाकिस्तान प्रस्त कौन है देश में, देशद्रोही कौन है? बहुत लोग हैं। मणिशंकर अय्यर जी, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाकर मोदी को हराने की बात करते हैं, मणिशंकर जी हैं, यानी कि कांग्रेस पाकिस्तान प्रस्त, हमारे नेता तो है, तो ये पाकिस्तानी प्रस्त है। पाकिस्तान की बीफ कंपनियों से चंदा इनकी पार्टी लेगी और आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगेगी, आप किसी दूसरे क्या बात है, हमसे हराने के लिए वो करेंगे उल्टा। मतलब ये गिरिराज जी सही कह रहे हैं जी, मैंने कहा गिरिराज जी सही कह रहे हैं, इसका मतलब गिरिराज जी जब आप पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर वो मदद मांग रहे हैं तो चंदा क्यों लिया आपने पाकिस्तान की कंपनियों से? अच्छा एक बात क्योंकि चलते चलते चावला जी, अरे भाई वो जो जाकिर नाइक से चंदा लेने वाले लोग दुनिया के सामने जब जाहिर है ना, जाकिर नाइक से चंदा लेने वाले, एक मिनट, एक ही कंपनियों से चंदा। मिश्रा जी कोई आप कहते हो कि आप ही के मुताबिक वो चंदा ले लेते हैं, कोई आंसू बहा देता है बाटला हाउस पर, और पूरी रात भर रोते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना मिश्रा जी? ऐसा नहीं है, वो पूरी रात रोते हैं फिर बाटला हाउस। हाँ एक मिनट, कुल मिलाकर ये हुआ ना शाही जी कि कहानी मटन से शुरू हुई, मछली तक पहुंची, फिर माँ, आप देखिएगा संजोग देखिएगा, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुगल, माँ से मुस्लिम, और हाँ माँ से मोहम्मद शमी भी आए हैं, और माँ से मनमोहन सिंह भी आ गए, और माँ से मंगल सूत्र भी आ गया, लेकिन माँ से महंगाई नहीं आई। माँ से मुकेश भी आ गए, मुकेश दलाल हमारे चुनाव जीत गए सूरत से, माँ से मुकेश पहली सर, माँ से महंगाई नहीं आई, महंगाई हो, मुकेश दलाल जी चुनाव जीत गए सूरत, माँ से सर वो कहा, मैं उस विषय में सर, माँ से महंगाई, माँ से महंगाई, माँ से मुकेश, माँ से महंगाई, उस पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर भी बात हो जाए ना सर, महंगाई तो सीधा, महंगाई तो आप देखिए ना, महंगाई 3.2% है आंकड़ों में, जाकर देख लीजिए 5% महंगाई खत्म हो गई है, 5% से नीचे महंगाई खत्म हो गई, 5% से नीचे महंगाई, बोलिए ना महंगाई खत्म हो गई, आप लोग खत्म हो गई से नीचे है कि नहीं है? नहीं, महंगाई खत्म हो गई, अच्छा माँ से मुसलमान होगा, माँ से मंगलसूत्र होगा, माँ से मनमोहन सिंह होंगे, माँ से मुगल होगा, मछली होगा, मटन होगा, लेकिन माँ से महंगाई नहीं होगी, यही कह रहे हैं। चलिए अच्छी बात, ये भी संजोग, एक शुरुआत हो गई, रन पहला रन हमारा बन गया 400 पार।
चलिए नारा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अली साहब आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सियासत है और सियासत में अब दूसरे चरण के आगाज के साथ एक नया संग्राम छिड़ गया है। अब देखिए मुद्दों की महाभारत कहां जाकर रुकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।